हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बनाएंगे झींगा मछली देकर कटहल की सब्जी। जी तो उसके लिए पहले कटहल को हमने नमक हल्दी देकर थोड़ा सा पका लिया है, बहुत ज़्यादा गलाया नहीं है। अब आलू को फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई हो चुकी है, अब उसमें डालेंगे कटहल और थोड़ा सा भून लेंगे। अब तेल में मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच घी, एक तेजपत्ता और एक सूखी लाल मिर्च। अब कटी हुई प्याज डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। प्याज भून चुका है, अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और भूनेंगे। अब डालेंगे जीरा धनिया और काली मिर्च का पेस्ट, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और मसाला को अच्छी तरह से भून लेंगे। एक कटी हुई टमाटर डालेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हम लोग का भून चुका है, अब इसमें डालेंगे कटहल और आलू। और नमक हल्दी डालकर फ्राई किया हुआ झींगा मछली डालेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब पानी डालेंगे। अब डालेंगे खड़ा गरम मसाला का पेस्ट और गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा सब्जी बनकर तैयार।